दोस्तों आज बात करते हैं कि बर्बरी कौन थे, फिर क्यों भगवान कृष्ण ने उन्हें महाभारत युद्ध में लड़ने नहीं दिया। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों भगवान कृष्ण ने बर्बरी की परीक्षा लेने के लिए उसे एक तीर से एक पेड़ के सभी पत्तों को एक साथ छेदने के लिए कहा और चतुराई से भगवान ने एक पत्ता पैर के नीचे छुपा दिया। बर्बरी के एक तीर ने पेड़ के सभी पत्तों पर छेद कर दिया, फिर वो तीर भगवान के पैरों की तरफ इशारा करने लग गया। फिर बर्बरी ने कहा कि आपके पैर के नीचे एक पत्ता है। ऐसे भगवान ने पैर उठाया, तीर ने पत्ते को छेदा, तुंडीर में वापस चला गया। बर्बरी कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ना चाहता था, जैसे पांडव कमजोर है तो पांडव की तरफ से लड़ेगा, जैसे कौरव कमजोर पड़ने लग जाएंगे तो उनकी साइड आ जाएगा। अगर भगवान बर्बरी को लड़ने देते तो पूरे महाभारत युद्ध में सभी को मार के वो अकेला ही बसता। दोस्तों भगवान कृष्ण जब बर्बरीक से मिलने गए, भगवान ने उन्हें प्रपोजल दिया कि तुम्हारे दादा और पिता पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं तो तुम भी उनकी तरफ से लड़ो, पर बर्बरीक ने मना कर दिया। उसने बोला जो कमजोर साइड होगी मैं उसी से लड़ूंगा क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव को वचन दिया, पांडव कमजोर पड़ेंगे तो उनके साथ लड़ूंगा, फिर कौरव पड़ने लग जाएंगे तो फिर उनकी साइड ले लूंगा। अब सबसे बड़ा धन भगवान की बात मानने का है। बर्बरीक ने गलती ये करी कि भगवान की बात नहीं मानी, नैतिकता फॉलो की। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का सर ही मांग लिया, क्योंकि बर्बरीक ने भगवान कृष्ण की बात नहीं मांगी तो उन्होंने उनसे बोला कि कुछ और मांग लो, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसका सर ही मांग लिया। भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश किसी भी नैतिकता से कहीं ऊपर है, क्योंकि भगवान का उपदेश ही धर्म है। कैसी लगी आपको स्टोरी और अगली आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण।